जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कल्सी क्लासेस एट प्रयागराज। चलिए भाई, मैं आपको एक बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट। छोटी बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्या भैया, ज़रा देखिएगा। तो मैंने कुछ सेंटेंस मेंशन किए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला सेंटेंस है आपका कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव गॉट सिलेक्शन। अब यहाँ पर आप ये बताइए कि भैया उड के बाद में हैव आया है, तो क्या यहाँ हैज क्यों नहीं आता है? उड के बाद में यह हैड क्यों नहीं आता है? हैज क्यों नहीं आता है? उड के बाद में हैव ही क्यों आता है? इसका रीज़न क्या भैया? और यहाँ पर हैड आया है, तो हैड के बाद में यहाँ पर वर्ब की और दूसरी फॉर्म क्यों नहीं आती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा दूसरे वाले में, यहाँ पर विल के बाद में बी आया है। कौन सा टेंस है भैया? ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस। यहाँ पर विल के बाद में बी क्यों आता है? इसका रीज़न क्या है भाई? चलो भाई, तीसरा आप देखिएगा, तीसरा सेंटेंस आप देखिएगा, यहाँ पर विल के बाद में हैव आया है, तो क्या विल के बाद में हैड भी आ सकता है, हैज भी आ सकता है? यहाँ हैव ही क्यों आता है? और फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर हैव के बाद में यहाँ पर वी थ्री आया है, क्या इसके बाद में वी टू भी आ सकता है? रीज़न क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है भाई, ये आपको जानना है। छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कहा भाई आई वांटेड टू प्ले, यहाँ पर एक लगा है प्रेपोजिशन टू, अब इसके बाद मैंने प्ले लगा दिया, क्या यहाँ प्लेड नहीं हो सकता? क्या यहाँ पर प्लेइंग नहीं हो सकता? कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, ध्यान दीजिएगा। ही डज नॉट बाई एनी थिंग, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है डज। डज क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, डज के बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया बाई, तो क्या बाई का सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता क्या? यहाँ पर डज आया तो बाई फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गया? अब चलो भैया कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है भाई? कंसेप्ट ये है, अब ध्यान दीजिएगा आप, कि आपके यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर टोटल 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 13 मॉडल वर्ब्स बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं बेटा, ध्यान दीजिए भैया, ये लिखा गया है आपका कैन, मे, विल, सेल, मस्ट, कुड, माइट, वुड, शुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, आर टू। ये टोटल कितनी है बेटा? ये 13 ये मॉडल वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं। ये मॉडल वर्ब्स जहाँ भी आएंगे सेंटेंस में, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जहाँ भी आएंगी अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आती हैं। इन सब के बाद में क्या आता है बेटा? इन सब के बाद में आता है वी वन आता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सब के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब देखिएगा, जितने देख लीजिए मॉडल वर्ब ये 13 हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। 13 मॉडल वर्ब अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आती हैं। पहली बात देखिएगा, अब आप आ जाएं इधर, अब आप आ जाएं अपने एग्जाम्पल पर आ जाएं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर मैंने लिखा बेटा उड। उड क्या है भाई? ये उड तो हमारी एक मॉडल वर्ब है बेटा, मॉडल वर्ब है ये, हमारी मॉडल वर्ब है। अब इसके बाद में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगा, क्योंकि भाई मॉडल वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेती है। इसीलिए हमेशा आप देखिएगा, कुड हो, शुड हो, माइट हो, कुछ भी हो, उसके बाद में हमेशा हैव आता है, क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म भी है, हैविंग फोर्थ फॉर्म है, हैज फिफ्थ फॉर्म है, पांचवी फॉर्म। इसीलिए उड के बाद में हमेशा हैव आता है, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेती है। ध्यान दीजिएगा भैया, अब यहाँ फिर देखिएगा, यहाँ विल के बाद में बी भैया कैसे आ गया? अरे भाई, विल के बाद में आप आईएनजी फॉर्म थोड़ा लगा सकते हो, मॉडल वर्ब है, अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएगी। यही कारण है, देखिए विल हो, सैल हो, कैन हो, इसके बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है आपको, तो यहाँ पर विल के बाद में ये बी क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा। बी भी एक फॉर्म है, जैसे राइट फॉर्म होती है, कम फॉर्म होती है, गो फॉर्म होती है, वर्ब है, वैसे बी भी एक मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है होना। तो यहाँ पर इसलिए विल के बाद में या सेल के बाद में बी लगाया जाता है, कहाँ? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। और आगे देखिएगा बेटा, आगे देखिएगा नेक्स्ट, फिर आप देखिएगा यहाँ भी, अभी एक टेंस है आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। हर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे कि विल के बाद में हैव जरूर आता है। अब यहाँ ना तो आप हैड कर सकते हो, ना हैज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि भैया मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या लेती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें टू के बाद में प्ले का आना, डज के बाद में बाई का आना, इसको भी देख लेते हैं भाई। अब आगे देखिएगा आप, अगला कंसेप्ट आपको बताते हैं थोड़ा तेजी से।
अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा मैंने कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया देखो हैव एक मेन वर्ब है, हैव मतलब होता है रखना, ठीक। अब हैव मेन वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, हैव की फोर्थ फॉर्म हैविंग, और हैव की फिफ्थ फॉर्म हैज है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पांचों में से कोई भी वर्ब आपको कहीं दिखे, वो चाहे आपका हैव हो, चाहे हैव की अदर फॉर्म्स हो, हैड हो, हैड हो, हैविंग हो, हैज, और उसके बाद आपको वर्ब यूज करना हो, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब आपको यूज करना हो, तो हमेशा इन पांचों के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बेटा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपने बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने जो एग्जाम्पल लिखा बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल क्या लिखा भाई, यहां पर एग्जाम्पल लिखा गया है ये, पहला देखिएगा, यहां पर ये हैड क्या है, हैव की जो भी फॉर्म है, अब इसको चाहे सेकंड मानो चाहे थर्ड मानो, अब इसके बाद में वर्ब आ रही है, तो हैज हो, हैव हो, हैड हो, इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी बेटा, इसलिए यहां ये वर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म में है। यहां देखो फिर हैव आया, इसके बाद में फिर वर्ब आ रही है, तो इसके बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, क्योंकि हैव हो, हैड हो, हैविंग हो, हैज, अपने बाद में अगर वर्ब लेंगी तो थर्ड फॉर्म में लेंगी भैया, तो यहाँ पर इसलिए थर्ड फॉर्म आ गया। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ फिर देखो आप, यहाँ भी हैव के बाद में कंप्लीटेड आ गया, तो यहाँ कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हैव है आपका हैव, अब इसके बाद वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी बेटा, ये कंसेप्ट है आपका। चलो भैया आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट बेटा यहाँ पे कि ये आपका ये एक प्रेपोजिशन टू, सिर्फ प्रेपोजिशन टू अगर अपने बाद में कोई वर्ब लेता है, अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आती है तो प्रेपोजिशन टू के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। पहली बात, यदि सेंटेंस में आप कहीं पर डू, कहीं पर डू या डज या डिड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और फिर इसके बाद में अगर आप कोई वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब हमेशा क्या होगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, डू, डज या डिड के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, प्रीपोजिशन टू के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। ये 13 आपके मॉडल वर्ब हैं, इन 13 मॉडल वर्ब के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, और आपका ये आपके 5 वर्ब्स हैं जो कि हैव की फॉर्म है, इनके बाद में आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत यूजफुल है, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, भाई आप हमारे लड़के हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके लिए तो बहुत कुछ करना है। तो चलिए भैया, अब आप समझ गए होंगे ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद कि यहाँ पर जो है, अब मैं वन बाई वन बताता हूँ कि यहाँ पर भैया देखो हैड है, मैंने कहा चाहे हैज हो, हैव हो, हैड हो, हैविंग हो, हैज हो, सब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर वर्ब आएगी तो इसीलिए हैड के बाद में आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया। मैंने कहा भैया मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए आपने हैव का यूज़ कर दिया, यहाँ हैड नहीं आ सकता है क्योंकि इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव क्या है भाई, फर्स्ट फॉर्म है। फिर मैंने कहा भैया हैव के बाद में अगर कोई वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में रहेगी, इसलिए आपने हैव के बाद में एक वर्ब लगाया, थर्ड फॉर्म में यूज़ कर दिया। फिर आप देखिएगा, फिर मॉडल वर्ब आ गई, मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या लेती है, फर्स्ट फॉर्म लेती है, इसीलिए इसके बाद में बी लगा, उसके बाद में आईएनजी आया, डायरेक्ट इसके बाद में इसको नहीं कर सकते हो। फिर अगला देखिएगा भैया, फिर यहां विल आया, विल के बाद में आपको लाना है फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है, इसीलिए विल के बाद में या सेल के बाद में हमेशा हैव आता है, हैड कभी नहीं आएगा, हैज कभी नहीं आएगा। फिर हैव के बाद मैंने कहा कि अगर वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, इसीलिए हैव के बाद में क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर मैंने कहा कि प्रीपोजिशन टू अगर आपको कहीं पर दिखाई दे और उसके बाद में वर्ब आ रही हो तो भैया प्रीपोजिशन टू के बाद में आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए यहां पर टू के बाद में प्ले आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेड नहीं आ सकता है। तीसरी बात, मैंने कहा भैया अगर सेंटेंस में डू, डज या डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया हो तो उसके बाद में एक वर्ब आएगी, तो उसके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। इसलिए यहां डज के बाद में एग्जाम में आया है, यहां बाट नहीं हो सकता है, बाई होगा भैया, क्योंकि डज आ गया हेल्पिंग वर्ब, तब जो भी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में होगी। मुझे उम्मीद है, देखिए इसका यूज बहुत है, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ इन वर्ब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसको आप रट लीजिए बेटा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स और छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद भी आएगा। तो बस बहुत ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए यहीं पर मैं सेशन को समाप्त करता हूँ बेटा। सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।